प्रॉब्लम 37 पे आते हैं। ये एक स्क्वायर है जिसकी साइड हमें नहीं पता है और इस स्क्वायर में काफी चक्कर है। देखो, इसको सेंटर मान के क्वार्टर सर्कल ड्रॉ किया गया और फिर उसके अंदर एक कंप्लीट सर्किल फुल सर्कल ड्रॉ किया गया और इस पार्ट में भी एक फुल सर्कल ड्रॉ किया गया। इसका रेडियस कैपिटल आर है, इसका रेडियस स्मॉल आर है। पूछा है स्मॉल आर बाई कैपिटल आर क्या होगा। वेरी सिंपल, फिर वही लॉजिक जो जस्ट पिछले प्रॉब्लम में लगा था। लॉजिक ये है, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, इसकी साइड तो पता है नहीं स्क्वायर की, जरूरत भी नहीं है। तुम्हें स्मॉल आर और कैपिटल आर का रेशियो चाहिए, इसके साइड का कोई मतलब नहीं, स्क्वायर तो कोई भी हो। ये पर्याप्त है कि ये स्क्वायर है, ये कहना पर्याप्त है कि ये स्क्वायर है। इसकी साइड एल एल कुछ भी होगी, इसका स्मॉल आर बाई आर हर बार तो वही आएगा, ठीक है। चलिए यहां वही लॉजिक लगाते हैं, फिर से इस डायगोनल को पकड़ते हैं दोस्त। ये डायगोनल तुम फिर से पकड़ो, एक्चुअली डायग्राम बनाने में मैं बहुत कच्चा हूं, क्लास 6 में मैं फेल था आर्ट में। ये डायग्राम बन गया, ये यहां से लेके यहां तक पूरा जो डायगोनल बना है। चलिए कुछ बात तुमको बहुत ध्यान से देखनी पड़ेगी। तुम लेंथ एसी को दो तरीके से देखो, लेंथ एसी को दो तरीके से देखो तभी निकाल पाओगे। अब तुम अलग से चक्कर में पड़ोगे, ये कितना है, ये कितना है, ये है, वो है, दुनिया भर का परेशान रहोगे, होगा कुछ नहीं। एसी को दो तरीके से देखो, यहां से मैंने बताया जब भी क्वाड्रेंट में एक सर्कल दिखा हो ऐसा तो क्या करो, हमेशा स्क्वायर बना लो और ये डिस्टेंस तो सीधे निकाल लो आर रूट टू, ये तो सीधे ही निकाल लो। चलो ये तो आर है ही, ठीक है, और यहां ये सीधे निकाल लो कितना आर रूट टू, और ये तो स्मॉल आर है ही। तो एसी कितना आ गया बोलो जरा, एसी आ गया दोस्त आर रूट टू प्लस आर प्लस स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर रूट टू, कितना आर इंटू ये और ये रूट टू प्लस वन प्लस ये कितना आ गया स्मॉल आर और ये जोड़ोगे तो स्मॉल आर इंटू रूट टू प्लस वन, एसी इतना आ गया। एसी को दूसरे तरीके से देखो कितना आएगा, देखो ध्यान दो पे, सोचो कैसे आएगा एसी, सोचो 3 मिनट सोचो फिर इसको देखो। देखो वीडियो पॉज करो, 3 मिनट तक सोचो कि एसी और कैसे आ सकता है, फिर आगे सॉल्यूशन देखो। चलिए ध्यान दो, एसी ऐसा आएगा अगर इसकी लंबाई, देखो अगर बड़े वाले की रेडियस मैं एक्स मानता हूं, इस क्वार्टर सर्किल की रेडियस एक्स मानता हूं, तो आखिरकार ये भी तो एक्स हुआ, ये भी एक्स हो गया और ये भी एक्स हो गया, बोलो एक्स हो गया। अगर क्वार्टर सर्किल की रेडियस एक्स है तो तुम्हारा एसी कितना हो गया, एक्स रूट टू हो गया, एक्स रूट टू हो गया। अब एक्स कैसे निकालोगे, एक्स तुम ऐसे निकालोगे, एक्स क्या है, ये है जो ये एक्स इसका रेडियस है वही तो ये भी है। देखो बच्चे ये जो रेडियस है, ये रेडियस इस वाले की रेडियस जो ये है वही ये है वही ये है, कितनी है इसकी रेडियस, एक्स कितना निकला, एक्स निकला इतना, दिस प्लस दिस कितना आर रूट टू प्लस आर, आर कॉमन ले लो रूट टू प्लस वन, दिस इज इक्वल टू, तो क्या बोलोगे दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो एक्स इतना आ गया तो तुम क्या करोगे कि तुम्हारा रूट टू प्लस वन रूट टू प्लस वन रूट टू प्लस वन कैंसिल हो गया, क्या मिलेगा तुम्हारे यहां से, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू, यहां बचेगा कैपिटल आर रूट टू, कैपिटल आर रूट टू, स्मॉल आर इंटू रूट टू माइनस वन इज इक्वल टू, सॉरी दिस इज इक्वल टू दिस, स्मॉल आर बाई कैपिटल आर कितना आ गया रूट टू माइनस वन, दैट इज इक्वल टू 0.414। ये एग्जैक्टली वही आंसर है, आपको याद होगा जब हम क्वार्टर सर्कल में आर आर में यहां पे लेते थे तो शायद यही आंसर आता था, इसका भी शायद यही आंसर आता था, ठीक है। फिलहाल उससे क्या मतलब है छोड़ दीजिए, यहां पे इस ढंग से निकालेंगे स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। इस तरह के प्रॉब्लम्स खुद से प्रोसीड करोगे ना कि यहां से यहां तक क्या है, और पूरी फिजिक्स में सब जगह यही चीजें यूज होंगी, खूब ज्योमेट्री ये प्रॉब्लम नहीं यूज होगा लेकिन ये एप्टीट्यूड यूज होगा, पूरी समझ यूज होगी। तो ये बेसिकली
एक समझ पैदा करने के लिए विटामिन का काम करेगा।